जब जब बाहर आए। एक्चुअली वो मैं बाहर पानी पीने गई थी तो मनीष शायद जाग रहा था, वो मुझसे बात करना चाहता था। उसने मुझे छत पर बुलाया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो क्या सोचा तुमने, तुम्हारा दिल क्या कहता है, तुम्हें जाना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। उसकी पत्नी होने के नाते नहीं, अपने बच्चों की मां और इस घर की बहू होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूं कि उसने ऐसा क्यों किया और अगर उसने किया भी है तो अब उसे दुख क्यों हो रहा है। सब कुछ बर्बाद करने के बाद आखिर वो चाहता क्या है? पर काम्या, इन सब सवालों के जवाब तो तुम्हारे पास हैं। लेकिन ये मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ। एनीवेज रितु, तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब किया, आई एम रियली सॉरी। नो दैट्स ओके, फिर बात करते हैं। गुड नाइट। बाय। उसने मुझे छत पर बुलाया, 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 छत पर बुलाया। मैं देखता हूं कि आज रात में अकेले छत पे गुजारता हूं या तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। इन फिसलने वाले मर्दों की फितरत कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। कहो क्या कहना चाहती हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो काम्या कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मुझे पता है तो तुम्हें भी पता होगा कि मैं क्या चाहती हूं। तुम कितनी बार मुझे ये बता चुके हो, बार बार वही बात करने का क्या फायदा है मनीष? जो तुम्हारे दिल में आया तुमने किया और आज भी तुम वही चाहते हो। लेकिन मनीष, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। कल तुमने अपने मन की थी और आज तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे मन की करूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। काम्या, मैं बस इतना बताना चाहता हूं तुम्हें कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए हमेशा सच्ची थी, सच्ची हैं और सच्ची रहेंगी। मैं मानता हूं कि कुछ समय के लिए तुम्हारी तस्वीर मेरे दिल से धुंधली पड़ चुकी थी, पर कभी मिटी नहीं थी। मैं बहक गया था,
पर अब मैं समझ चुका हूं कामिल, हर गलती की एक माफी तो हो सकती है। हर बार ऐसा नहीं होता मनीष, कभी कभी आपको बिना गलती के भी सजा मिलती है, और वो सजा सहने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता। तुम जिस गलती की माफी चाहते हो ना, उस गलती की सजा काटी है मैंने। तुम्हें तो उसकी कीमत भी नहीं पता कि उसकी वजह से मैंने क्या खोया है। मैं जानता हूं काम्या की तुमने क्या कुछ सहा है मेरी गलती के चलते, पर आज घर का हर एक शख्स, मां पापा तुम, मैं हर किसी को खो चुका हूं। क्या मेरी गलती की यह सजा काफी नहीं कि हर कोई मुझसे नफरत करता है? मैंने तुमसे कहा था ना मनीष कि कम से कम मम्मी पापा को मत बताना, एटलीस्ट उनका भरोसा तो बना रहता तुम पर। नहीं काम है, मुझे सच का सामना करना था। इस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से निकालना था अपने अंदर से। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरा अपने आप से धोखा होता। लेकिन अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी काम्या, मैं जीवन में कुछ भी पालू वो सब कुछ बेकार हो, सब कुछ बेकार। इस नफरत का बोझ मैं और नहीं ढो सकता हूं काम्या, नहीं ढो सकता। आज तुमने अपनी गलती की माफी मांगी भी तो सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि तुम इस नफरत का बोझ नहीं ढो सकते। चलो मनीष, चलो ये मान भी लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन जो बोझ मेरे मन पर है उसका क्या? तुमने जो किया वो गलत ही नहीं मनीष, तुमने मेरे भरोसे का अपमान किया, मेरे प्यार का अपमान किया, जो मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर करती थी। कम से कम तुम बस उस दिन एक छोटा सा झूठ बोल देते कि तुम्हारा विशाखा के साथ कौन लेना देना नहीं। कोई मैं ऐसा नहीं कर सकता था कामिल, मैं सच का सामना कर रहा था, मुझसे भूल हो गई, पर वो उस समय का सच था कामिल, और आज का सच ये है काम्या कि मैं, अगर वो सच था मनीष तो वो मेरा अपमान था, एक औरत के अस्तित्व का अपमान था, उसकी इज्जत उसके गरूर का अपमान था। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, मेरे सपने, मेरी खुशियां। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो मनीष, क्या तुम मुझे वो सब कुछ लौटा सकते हो? लौटा सकते हो मुझे वो सब कुछ? यही फर्क है मनीष तुम्हारे पति और मेरी पत्नी होने में। तुम आज भी मेरे सामने एक पति के नाते आकर खड़े हो गए, अपना प्यार, अपना हक पाने के लिए, और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं क्योंकि मैं एक मां हूं, एक बहू, एक भाभी, और न जाने कितने रिश्तों की मर्यादाओं के साथ जुड़ी हुई। बस अगर नहीं बन पाई हूं तो वो तुम्हारी पत्नी। Thank you.
हाँ मरेश, मैं तुम्हारे सच को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ मैं तुम्हारे सच को स्वीकार नहीं कर पा रही। काम्या, काम्या प्लीज तुम रो मत, भले ही मुझे मुझे माफ मत करो, पर अपने आप को तकलीफ मत दो, अपने आप नहीं बरिश, प्लीज प्लीज कम से कम मुझे रो लेने दो, मुझसे मेरा ये हक मत छीनो, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा ये मत छीनो, तुम्हारे दर्द के कारण मैं खुलकर खुलकर कभी रो भी नहीं पाई, ऐसा मत करो मेरे साथ। अब इतना जानना चाहती हूं कि यह विशाखा कौन है और कब से तुम्हारा इसके साथ यह चल रहा है। तो सुनो, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। हाँ मनीष भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, और सुनाइए सब खैरियत तो है? रहमान मेरी बात सुन, विशाखा कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, उसको यह बता देना कि मेरी जिंदगी में उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाईजान, विशाखा का तो कब का पता चल गया है, वो तो मुंबई में ही है, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपका पता चल गया है और वो बहुत जल्द आपसे मिलने भी आ रही है। मैं
जब बहार आई। हेलो विकी। हाँ टीना। विकी हाँ, मुझे जूती मिल गई है। थैंक गॉड। मैं अभी सुकेश जीजू के कमरे में आई और फाइनली जूती मिल गई है। मुझे कहाँ आना है? वो जूती लेकर ना सीधे घर आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करता हूँ। क्या बना रहे जुगनू? हैं? खुद को पका रहा हूं भाई साहब, खाओगे? अरे आज क्या खिलाएगा मुझे? अरे यार तू इतना चिड़चिड़ा क्यों दिख रहा है और बड़ा सुस्त भी दिख रहा है। आपने और चाचे ने मिलके ना मेरी सारी एनर्जी चूस ली है। सारी एनर्जी? मैं समझा नहीं कुछ। रहन दो, बता तो सही। बता तो दिया आप और लिख के दो। आपने और चाचे ने मिलके मेरी सारी एनर्जी चूस ली है। अरे मेरे भाई, मैं तेरे लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि तू सुनते उसे पागल हो जाएगा और तेरी जो लो बैटरी है ना वो भी फुल हो जाएगी। मुझे नहीं फुल करनी जी, पहले ही बहुत फुल कर दिया आपने, माफ करो मुझे। अरे सुन तो सही, वो सब छोड़, तेरी जूती है ना मिल गई है और टीना उसको लेकर आती होगी। मजाक कर रहे हो ना गरीब आदमी के साथ? ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए भाई साहब, दिल में दर्द होता है। उस जूती के लिए मैं कितना परेशान हूं मैं बता भी नहीं सकता आपको। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरी कसम तेरी जूती मिल गई है और टीना उसको लेकर आने वाली है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे उसको आने में। क्या क्या बात कर रहे हो, सच कह रहे हो ना? सच बोल रहा हूँ। मेरे की ये जूती? हाँ। एक बार और कहो। तेरी जूती मिल गई है। हाय, एक बार और कहो प्लीज। तेरी जूती मिल गई है। आराम से, आराम से, आराम से, बस आराम से, आराम से। मैं डबल एनर्जी आ गई, क्या करूँ, कहाँ निकालूँ एनर्जी? चल भी, चल भी पाल। जब जब बहार आई।
मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। क्या हो गया इसको यार? खराब हो गई होगी। वैसे तुम कहीं बाहर जा रही हो? वो एक फ्रेंड से मिलने जा रही थी। किस फ्रेंड से मिलने जा रही हो? वो है ना अपनी, क्या नाम है? रीटा? नहीं नहीं, वैशाली ना? वैशाली का आज बर्थडे है ना? हाँ, वैशाली का बर्थडे, तो मैंने सोचा कि कुछ गिफ्ट तो ले जाना चाहिए ना। अच्छा, तो वो गिफ्ट तुम वैशाली के लिए लेके जा रही हो? देखो, उसका ही फोन होगा। अरे, पूछना चाह रही होगी कि तुम कहाँ तक पहुंची हो। फोन उठा के बोल दो कि आ रही हो। हेलो। हेलो, अरे किधर हो बाबा तुम? बोल दो कि तुम आ रही हो। हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ। अरे जल्दी घर आओ ना, यहाँ जुगनू पागल होता जा रहा है। ठीक है, सो जाओ। और हाँ, वैशाली को मेरी तरफ से भी बर्थडे विश कर देना। अरे एक मिनट, एक मिनट, सीट बेल्ट तो लगा लो। ये लो। बिना सीट बेल्ट के कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जाओ। चिंटू, यहाँ आ जाओ, मैं पहना देती शूज। नहीं मम्मी, आज मैं खुद से करूंगा। चिंटू बेटा, जिद मत करो, मुझे भी ऑफिस जाना है। ओके, आ जाओ यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग कामिन। मेरा चिंटू बेटा रेडी हो गया स्कूल के लिए। शाबाश। पापा, मेरा बर्थडे आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? आपको बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूंगा? क्या गिफ्ट देंगे हम आपके बर्थडे पर आपको? हाँ, हमने ये डिसाइड किया है, आप जो मांगेंगे अपने बर्थडे पर हम आपको देंगे। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस? पापा ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो पापा फिर अपनी भी नहीं सुनते। तो आप मेरे बर्थडे के दिन मम्मी को सॉरी बोलोगे?